नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज, मैं पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। श्रावस्ती इकोना से बीरपुर रोड पर स्थित राम जानकी मंदिर गोपालपुर में आज कलश यात्रा निकाल कर भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा में अयोध्या, बनारस सहित और कई अन्य मुख्य शहर से कथावाचक भाग ले रहे हैं। अयोध्या से आए हुए महंत ने बताया कि 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कथा चलेगा और 14 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। जयलाल मास्टर लाल बाबू तिवारी, श्रीधर सहित अन्य लोग कथा के मुख्य आयोजक हैं। योर रिपोर्ट श्रावस्ती, सूर्य प्रकाश दुबे। जा रहा है और काफी लोग आए हैं, तो आप कहां से आए हैं और कहां, मतलब कितने दिन तक ये आयोजन चलेगा और कौन कौन मुख्य अतिथि और कैसे क्या कार्यक्रम है, थोड़ा उस पर विशेष तरीके से बताइए। श्रीधाम अयोध्या से आया हूं। हमारे वाद्य यंत्र काशी बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आए हैं। आचार्य जी एसआरपी भवन अयोध्या से आए हैं। आज 7 तारीख से प्रारंभ होकर के 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को पूर्णाहुति होगी। 14 तारीख को विशेष भंडारा रखा गया है, जिसमें प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसाद पाएँ और भगवान लक्ष्मी नारायण का यज्ञ किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रवचनाद का कार्य किया गया है। चंडीगढ़ से बाल व्यास नीरज तिवारी जी भी पधारे हैं, जो भागवत के मुख्य प्रवक्ता हैं। कहाँ, किस जगह पर है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम राम जानकी मंदिर गोपालपुर चौराहा। ये किसी एक लोग के द्वारा कराया जा रहा है या फिर अर्थ समाज या सब लोग? ये पूरे क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के सहयोग से कराया जा रहा है, जिसमें 2-4 लोगों का विशेष सहयोग है, बाकी पूरे क्षेत्र। इसके लिए कुछ लोग सदस्यता टीम